बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सराकी टीवी न्यूज़ तो मियाँ खलील। दोस्तों आज असारे भिरा अब्दुल गफ्फार खान साहब ये असने तशरीफ खेने अस इन को अपने सराकी टीवी न्यूज़ से वेलकम खेन। तो अज जड़ा ना अस इन को दावत दी अस ताकि दीन दे आगाही देवे मजहबी हवाले नाल अस मुसलमान को क्या जड़े तबलीग करें जो क्या सब कड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अमल करते या कड़े कड़े काम करते अस दुनिया से आखरत की कामयाबी हासिल कर सकू। हाँ सही अब्दुल गफ्फार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सराकी टीवी का सब तो पहला शुक्रगुजार हाँ भाई खलील साहब का जी ने मौका दिते सकूँ दीन की गल कर तिजारत अल्लाह के नबी ने सिखाई है और अल्लाह के नबी ने तिजारत की है। माल मक्या गेंदे वे बाल मुल्क सच बुलेंगे जैद मुनाफा कर सब तो पहले अल्लाह नबी माल खरीदे उतु बाद माल खरीद करते वापस कितना सच बुलेंगे जैद मुनाफा कर सारे तो पहले जो माल खरीदे अल्लाह के नबी ने तिजारत सीखी है। सच बोलो झूठ ना बोलो जैद मुनाफा अल्लाह से बरकत पेंदे अल्लाह से रंग लेंदे। मेरे प्यारे ब्रावो अल्लाह के सारे सोने नबी हैं जड़े साढ़े वास्ते निजात का जरिया उन्हें जिंदगी है जी एक एक पल पल अस उन्हें याद करते जिंदगी गुजारनी है। आज शादी कहते पे हूँ तो मामा ना आए चाचा ना आए रिश्तेदार ना हों दिन शादी रोक जो यार वो हम कहते शादी कर दूँ क्या है शादी अल्लाह के नबी को याद किए हुए क्या शादी नबी अल्लाह के नबी का तरीका भी है क्या शादी अल्लाह के नबी भी याद किए। मेरे ब्रावो अल्लाह की कसम खाते मैं कहना पा शादी मुसलमान की थी है तो कंजा दूर दूर तू कितना पैसे खर्च करते स्टेज जो नजरे खड़े होने तो सारे नौजवान तबाह करते पैसा ही शराब उड़े दे खड़े होने तो अपनी जिंदगी भी जवानी भी तबाह और बर्बाद कहते खड़े होने। तो मेरे ब्रावो है देखो कि अल्लाह के नबी जो जो सारे वादे तलीमात कहते हैं उन्हें उत्ते अस अमल करूँ पल पल याद करो कि मेरा महबूब रोटी आवे तो सब तो पहले सुन्नत तरीके के मुताबिक बो सुन्नत तरीके के मुताबिक खानी है पल पानी आवे तो मेरा प्यारा महबूब कि पानी पीने त्रै सया करते अल्लाह के नबी को याद करते और रस्ते से चलने तो दाएँ हाथ से अल्लाह के नबी सीधे हाथ से चलते हैं तो असा भी सीधे हाथ से चलूँ हर हर अमल के अल्लाह के नबी को याद करो। हजरत अली सिंह रजी अल्लाह तआला की काफे ने पूछा अली सिंह तुम कितनी मदद कर दो आपने मैं 24 घंटे अपने फिर मैं कह दूँ बात अपना बाथरूम में कहने में क्या रोटी कहने कमने का सुनते कहने सारे कम अस प्यारे महबूब की सुनने के मुताबिक कर दूँ तो अल्लाह से सारे सारी इबादत कर लेंगे। तो मेरे प्यारे ब्रावो अल्लाह के नबी ने जो जो काम किए अस करूँ तो अल्लाह से सब दुनिया की चमके थे दुनिया की प्यार कहते थे और आखिरत की असा सिला था फिल्म थे तो जिंदगी अल्लाह दिए मना थे सारे इंसान को प्यो पैगाम मेरे ब्रावो ये दुनिया से ना कोई रही है ना कोई रस है अल्लाह की बादशाही बाकी है और अल्लाह की बादशाही बाकी है रहमत अली मेरे ब्रावो तेज दुनिया के सारे इंसान रहने इमाम हुसैन से आखिरी मौके उत्तर जंग खड़े कहते हैं तो 52 बंदा आपके नाल आ जदीद को कहें थोड़ी देर वास्ते जंग रुको नमाज पढ़नी है वो मेरे बिरा वो जंग नहीं होगी और आपने हुक्म में छवी मुकाबला करो छवी अल्लाह को सज्जा करो वो तुम मौत तू तलवार खड़ी लेकिन वाल भी अल्लाह का हुक्म पूरा की देने और जन्ना दे नौजवान सरदार अल्लाह कटे हुए सादा सामना करवा दे कि देखो ये जन्ना दे नौजवान सरदार आ त्यों आ किड़े बाग की मूल जाए तू आ मेरी नाफरमानी क्यों कहना अब दुकान तू कि नमाज नहीं सकते अब बीवी बच्चे को छोटे नमाज नहीं सकते अब मोबाइल चलने पे होंगे से असा तो नमाज नहीं सकते तो मेरे बिरावो जिंदगी अल्लाह की नीते मुक्त सिरे तब नमाज कैम करो 5 वक्त नमाज 24 घंटे 2 घंटे भी नहीं बनते अगर असा अल्लाह को लेकिन तो अल्लाह से तब कितनी दिन करते तो जेड़े फिरके चलते वे थे अपने उलमा दी नफले बन सको अपने उलमा को दीन का इलम सीखो तो हमें अल्लाह से तो रहा चैन सुकून था फरमे थे तो हर गंदे बुरे इंसान को देखते आखो मेरे को मेरा बिरा अच्छा है चंगा है खूबियाँ बयान करो कि ना कमियाँ बयान ना करो 70 माइल तो ज़्यादा हर इंसान ना अल्लाह प्यार कहते तुसा भी अल्लाह के मखलूक ना प्यार करो तो बया दूजा है कि यतीम मस्कीन गरीब भी हैं लाखों करोना करोना ही भी है इंसान परेशान हैं अल्लाह की कसम मालदार लोगों माल अल्लाह का दिता हुआ है ना कि रिये ना रस है और अल्लाह की बारगाह जसान लौट तो सारे बजा अल्लाह से मरते सफेद रंग का कफन पवा ते जगीर आला कोठे आला बिल्डिंग इंसान जहाँ लेकिन एक कफन सफेद नसीब थी से कब्बा जो रख ते घर ले वापस वालों सन भला अल्लाह से कब्बा वाला जिंदगी रहे से अगर दसा हम मेरे वास्ते तू क्या करते हैं तो उठा नमाज जिक्र अस्कार कोने पास तिलावत अच्छा अगला और अल्लाह ने भी दरूद पढ़ा सारे कने हो से ना उठा चाह उठा फेर थी कब्बा जी सब कोई फायदा रहे से तो दुनिया का दिया कामयाबी अवे अल्लाह तू आपको भी मेकू भी भाई खली साहब को भी अल्लाह है नेगी की तोफीक अता फरमावे ते बुरी को बचावे जिंदगी मुक्त करे अल्लाह तोफीक देवे जी भाई जान। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई ये जो करोना है ना ये बीमारी है लोग टीके नहीं लगाने पे
तो करोना दे आदम से दो साल बाद जो ना अफवाह फैली वजे जो बंदे मारे वैसे टीका लगे खड़े तो यह जो ना तुसा ही वास्ते थोड़ा जहाँ दसो जा क्या दीन अस क्या कहते जो अगर हुकूमत कोई फैसला करे या कोई वबा आवे तो अस क्या करना चाहिए जी बिजन ए मुताबिक मैं ये कुछ कहता कि जिंदगी अल्लाह ने दी है और मौत भी अल्लाह ही दे ये अल्लाह के हाथ के फैसले अनुसार है कोई कोरोना नहीं मार सकती और कोई कोरोना जिंदगी नहीं दे सकती अल्लाह तो इस गल पे यकीन है बाकी उलमा भी कहते हैं एहतियाती दवाई इस्तेमाल करो सफाई सुथराई करो अगर तुम हुकुमरान चाहते वैक्सीन अगर ठीक है फायदेमंद है तो लगा कि लो अगर नुकसान दे है तो हमारे वास्ते मरीज हार्ट के मरीज बीमार है जिहड़े ना कि अस खांसी के मरीज हैं उनके अलावा शुगर है या कोई टीबी के मरीज हैं वह नहीं लवावे ना लवावे चलो जिहड़े सेहतमंद हैं वह तो करोना की जी एहतियात कर गए ना असीं वो वैक्सीन लवा गए ना क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान आदि पीए अस हाकिम वक्त आखिया मनना चाहिए अगर अस करोना दे वैक्सीन ना करे सो खुदा ना खास्ता बीमारी फैल वे ज्यादा जरा ना लवी कराओ से उसे मर वन उन्हें उत्तर मौत आ वजें वाल आप हुकूमत जिम्मेवार वाल कहना हो हुकूमत अस घर घर तक जरा पैगाम पुजा अस जल्दी अपनी वैक्सीन करा गए इवें ना अब्दुल गफार साहब जी जी बिल्कुल एहतियात भी करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस बीमारी को खत्म करे बादात की पाबंदी करे खत्म करेगा इंशाल्लाह अब्दुल गफार साहब मेहरबानी सी शुक्रिया टाइम दिते वे सब असा जो ना तुम्हारी जो शुक्रिया अदा करूँ सारा टीवी चैनल जो ना शुक्रगुजार है मेहरबानी सी अस्सलाम वालेकुम।